हमीरपुर में नारी सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद दिसंबर का प्रथम सप्ताह नारी सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने महिला पीजी कॉलेज में छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए शासन स्तर पर संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। एसपी ने कहा कि छात्राएं निडर होकर पढ़ाई करें, राह चलते अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो पुलिस को सूचित करें, ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। महिला पीजी कॉलेज के सभागार में छात्राओं के बीच पहुंचे एसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि छात्राएं मन लगा कर पढ़ाई करें, उन्हें किसी से डरने का घबराने की जरूरत नहीं, राह चलते कोई परेशानी महसूस करती है तो पुलिस को सूचित करें, फौरन मदद की जाएगी, अराजक तत्वों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एसपी ने कहा कि प्रत्येक बालिका महिला कॉलेज और को एजुकेशन वाले कॉलेजों में पावर एंजल बनाई जाएगी, जो अपने अपने कॉलेजों की छात्राओं की समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाएगी। समय समय पर पुलिस टीम भी इन्हें फीडबैक लेती रहेगी ताकि छात्राओं के प्रति होने वाली किसी भी हिंसा या छेड़खानी की वारदात को समय रहते रोका जा सके। एसपी ने कहा कि शासन स्तर पर वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 और यूपी 100 जैसी सुविधाएं हैं। छात्राएं अपने मोबाइल में इन नंबरों को उसमें हमेशा फीड करके रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके। एसपी ने एंटी रोमियो स्क्वाड की दरोगा संगीता सिंह और कोतवाली पुलिस का CUG नंबर भी छात्राओं को देते हुए किसी भी तरह की शिकायत इन नंबरों में देने की अपेक्षा की। गोष्ठी में कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सभा कोशर, बालिका इंटर कॉलेज की प्रवक्ता मीना पांडे, डॉक्टर निरंजन सिंह, ट्रेनी CEO नईम खान मंसूरी, कोतवाल AK सिंह, प्रतिशार निरीक्षक JP पांडे, महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह आदि मौजूद रहे। आज जो है 4 तारीख से लेकर दिसंबर 10 तक हमारे जो DGP महोदय के द्वारा महिला सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाए जा रहे हैं। ये हर साल दिसंबर के प्रथम सप्ताह जो है महिला सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि ये कार्यक्रम DGP सर के तरफ से इंस्ट्रक्शन है पूरा साल चलाया जाए, तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में आए हैं और यहाँ के महिला बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया गया है। 1090 और महिला सुरक्षा से संबंधित जो पॉक्सो अधिनियम है और जो वर्कप्लेस हरासमेंट है, विमेन वर्कप्लेस हरासमेंट जो प्रिवेंशन रूल्स एंड रेगुलेशंस है और 100 नंबर है, और इसके अलावा जो 1090 के द्वारा शक्ति परी पावर एंजल्स जो बनाए जा रहे हैं इनके संबंध में, इनके मेंबरशिप के बारे में विस्तार से बताया गया है। और इनको ये भी कहा गया है कि इस सुविधाओं को भरपूर इस्तेमाल करें, कोई भी छेड़खानी करें, कोई भी महिला संबंधित अपराध करने जा रहा है या कर रहा है तो उनके खिलाफ़ एक संघर्ष के रूप में इसको यूज़ करें, कि इसमें यूपी पुलिस महिला बच्चों के साथ पूरी तरह खड़े हैं। हमारे DGP सर के निर्देश के अनुसार पूरा विभाग इस अभियान को बहुत अच्छे तरह से चलाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा हेतु भरपूर प्रयास करेंगे और लागू भी कराएंगे। हमीरपुर से मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट।